हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स वे सिंपल एंड वी आर बैक अगेन एंड आपको जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा दिस इज द डायरी ऑफ इवेंट्स 2018 थाउजेंड एन स्पेशल इशू बाय द हिंदू तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 2018 पूरा सर एक बार रिवाइज करने का है अपने को और हम मुझे भी ये लगा कि ये जरूरी है डायरी ऑफ इवेंट्स जरूरी है पूरा साल भर का एक वीडियो में एनालाइज होना जरूरी है सो दिस इज अ वीडियो अब देखो ये पूरा डायरी ऑफ इवेंट्स वी विल डिवाइडिंग इट इंटू थ्री पार्ट तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट वीडियो विल बी ऑफ नेशनल न्यूज पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का नेशनल न्यूज़ और इंपॉर्टेंट एक बार में डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो विल बी ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चंक है बिग चंक ऑफ द हिंदू विल बी फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज तीसरे में पूरा अपन बाकी के सारे कंप्राइज करेंगे जैसे कि अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है या कोई uh, इंटरनेशनल uh, के अलावा अगर कोई उस तरह की की न्यूज़ है सपोज इंटर इन्वायरमेंट से रिलेटेड साइंस से रिलेटेड ये सारी है तो उनको थर्ड वीडियो में रखेंगे ओके सो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू सो प्लीज़ डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब प्लीज कीप प्रोवाइडिंग योर फीडबैक सारी चीजें एंड लेट्स स्टार्ट इट इट एज फास्ट एज वी कैन और ये कुछ एड्स के पेजेस हैं इनको स्किप करते हैं फिर अपन आते हैं फ्रंट पेज में द फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम जनवरी एंड दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट जनवरी इट्स भीमा कोरेगांव बैटल जो कि 1818 में हुआ था उसके 200 साल पूरे हुए थे द 200 हंड्रेड ईयर्स ऑफ भीमा कोव बैटल वॉज वर कम्पलीटेड एंड उसकी एनिवर्सरी मना रहे थे महाराष्ट्र में पुणे में एंड कोरेगांव इज इन पुणे एंड वहां पर इसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी दलित्स वर देयर हु वर सेलिब्रेटिंग दैट दो साल हुए थे इस बैटल के भीमा कोरेगांव ये थर्ड बैटल ऑफ जो एंग्लो मराठा युद्ध था उसका

Now let's move to the next news जो हम डिस्कस करेंगे अब देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस होंगी जो बाकी मैंने छोड़ी और बिलीव मी उनको आप छोड़ सकते हैं दोबारा कुछ क्रॉस चेक करने तक की जरूरत नहीं है तो प्लीज जो जो है जो हाईलाइट किया उसके अलावा कोई ऐसी न्यूज नहीं जो कि इंपॉर्टेंट हो जो कि आपको करना जरूरी है प्लीज जस्ट हैव फेथ और ये एज अ रिविजन वीडियो लीजिएगा दिस इज एज रिविजन वीडियो दिस विल नॉट बी एनालिसिस वीडियो एनालिसिस नहीं होगा चीजों का यहां पर क्योंकि अगर आपने एक न्यूज का एनालिसिस करना शुरू करेंगे सो दे therefore this will be a revision video for your important news कि आपको साल भर के एक बार दोबारा से important news important facts आपके दिमाग में फिर से आ जाए और अगर कोई important ऐसा issue है जिसके ऊपर आपको deliberate करना है analysis करना है तो आप दोबारा उसको check कर सकें second news is that supreme court makes it optional optional for cinema halls to play the national anthem before the before every show तो shows के पहले जो national anthem बजाना पहले compulsory था उसको अब optional कर दिया गया है by supreme court January में decision आया था थर्ड न्यूज इज दैट सेंटर अलाउड ओवरसीज एयरलाइंस टू ओन अप टू 49 परसेंट ऑफ एयर इंडिया वही है कि थोड़ा डाइवेस्टमेंट एंड डिसमेंट करने का सोचा था एयर इंडिया का तो उनचास परसेंट तक बाहर की जो ओनरशिप है वो 49 परसेंट तक ही कर दी थी ओके अंडर द अप्रूवल रूट एंड परमिट्स हंड्रेड परसेंट एफडीआई इन सिंगल ब्रांड रिटेल थ्रू द ऑटोमेटिक रूल रूट ओके तो ऑटोमेटिक रूट से ही जो सिंगल ब्रांड रिटेल है उसमें सौ परसेंट एफडीआई कर दिया है और एयर इंडिया में बाहर का जो ओवरसीज ओनरशिप है वो फोर्टी नाइन परसेंट कर दिया था सेंटर ने सो दीज थिंग्स वर देयर

उसके बाद सेंटर ने अनाउंस किया विड्रॉल ऑफ हज सब्सिडी तो ये चीज भी हुई पदमावत का पूरा सीन अपने को पता है कि उसके ऊपर किस तरह से बहुत सारा वेंडलिज्म हुआ और उसको किस तरीके से रोकने की कोशिश की गई उसके बाद वो रिलीज की गई थी पहले पदमावती थी बाद में उसको पदमावत कहा गया पदमावत इज अ पोयम रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी ये नाम जरूर याद रखिएगा पदमावत वॉज अ पोयम रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी ओके And, uh, इसके बाद हम 26 जनवरी पर आते हैं द लीडर्स ऑफ टेन आशियान कंट्रीज होस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज द चीफ गेस्ट एट द परेड मार्किंग 25 फाइव ईयर्स ऑफ आसियान इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप आसियान और इंडिया का डायलॉग पार्टनरशिप हुआ 25 साल पूरे हुए थे इस कारण से उनको बुलाया गया था एंड इंडिया सेलिब्रेटेड सिक्सटी रिपब्लिक डे इन न्यू डेली नाइन रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया था चैटर्जी किस फील्ड से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है लीजर ऑफ ऑनर विच इज फ्रांसिस हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड तो फ्रांस का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड पता चल गया हमको नाइट ऑफ द लीजेंड ऑफ ऑनर सौमित्र चैटर्जी हमको पता चल गया कि वेटरन बंगाली एक्टर

को तो वो सारी चीजें चेक करने के लिए कॉम्पिटिशन लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करने के लिए बनाया गया। India, 2002. Then, okay? तो याद रखेगा गवर्नमेंट ने कमर्शियल कोल माइनिंग को ओपन कर दिया है फॉर इंडियन एंड फॉरन फर्म्स इन प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम था जो हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोदी लॉन्चेस द अम्मा टू व्हीलर स्कीम अम्मा टू व्हीलर स्कीम लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर ने विच वॉज फॉर वर्किंग वुमेन ऑन द दकेजन ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता सेवेंटी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी तो जयललिता के सेवेंटी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में उन्होंने अम्मा टू व्हीलर स्कीम स्टार्ट की थी फॉर द वर्किंग वुमेन ऑफ तमिलनाडु याद रखेगा वर्किंग वुमेन ऑफ तमिलनाडु दिस एन इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको याद रखना चाहिए

फाइव जज जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा विच अफोर्स द पैसिव यूथेनेशिया यूथेनेशिया मतलब आपको पता है कि जो वॉलेंट्री क्लिंग होती है जब आदि वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है मतलब ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ऑल देंसेस उसके सेंसेस काम करना जब बंद कर देते हैं तो ये यूथनेशिया के लिए परमिशन दे दिया गया है पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं उसको एंड देर वॉज लिविंग विल्स जो इस बार इंपॉर्टेंट था वो था लिविंग विल्स का विच वॉज टू स्मूद को और स्मूथ करने के लिए लिविंग विल्स का यूज किया गया था किया जाएगा अब मतलब जो आदमी जब सोच समझ सकता है तो वो अपना पहले ही बता देगा कि किस तरीके से उसको कब कब ये चीजें करनी है तो ऑल दीज विल बी देयर अंडर द लिविंग विल्स ओके नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग पार्लियामेंट पासिंग द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट बिल टू तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट बिल 2017 पास किया गया पार्लियामेंट द्वारा इसमें क्या किया गया था जो टैक्स फ्री ग्रेचुअटी है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई थी 20 लाख कर दी गई थी तो अर्ली लिमिट से बढ़ा करके जो टैक्स फ्री ग्रेचुअटी की लिमिट है वो 20 लाख कर दी गई है बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट तो दिस वॉज अनदर थिंग विच हैपन ओके सो अभी मार्च में अपन चल रहे हैं आगे और आगे देखते हैं जी सेट लॉन्च किया गया इसरो द्वारा ओके तो जी सैट सिक्स लॉन्च किया गया बट आफ्टर टू डेज ऑफ इट्स वर्किंग इट वॉज फेल्ड ये फेल हो गया जीट जी सेट तो ये भी आपको याद

अ पर्सन राइट टू चूज ये एक कंसेप्ट था अ पर्सन राइट टू चूज अ रिलीजन अ पर्सन राइट टू चूज अ रिलीजन

वेरी इंपॉर्टेंट ओके हड़िया केस जरूर याद रखेगा दादा साहेब फालके दिया गया, uh, गया विनोद खन्ना को एंड श्रीदेवी को पॉस्टिंग बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फॉर हर रोल इन मॉम ओके और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड था वो दिया गया था रिद्धि सेन को फॉर द रोल इन बंगाली फिल्म नगर कीर्तन एंड रीमा दास की मूवी थी विलेज रॉकस्टार जिसको कि बेस्ट फीचर फिल्म बोला गया तो ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स की हमने बात कर ली रिद्धि सेन बेस्ट एक्टर एक्टर याद रखेगा नगर कीर्तन के लिए एंड रीमा दास की फिल्म असामीज फिल्म है विलेज रॉक स्टार विच इज द ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर ऑल्सो बाहर हो गई है लेकिन अब ऑफिशियल ऑस्कर आस, एंट्री यही थी विलेज रॉक तो याद रखेगा इनको दिया गया था नेक्स्ट न्यूज है इंदू मल्होत्रा टेक्स द ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जज बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बार ओके डायरेक्टली जो बार काउंसिल होता है उससे डायरेक्टली उठा करके किसी को सुप्रीम कोर्ट में ला, ला देना ये इंदु मल्होत्रा शी इज द फर्स्ट वन फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टली ओके फिर हमने अभी पीछे एक जजमेंट की बात की थी कंपनीज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की जिसने की गूगल uh, पे लगाया था उसके बाद एनसीएल जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसने उस पर स्टे लगा दिया था वही जो जजमेंट

जो इंटरनेशनल लेबर डे भी है तो महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू तो प्रोवाइड डिजिटली साइंड लैंड रिकॉर्ड रिसीट्स ओके वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिल्कुल मेरे ध्यान में भी नहीं था जब आया था मैंने दोबारा पढ़ा तो महाराष्ट्र बिकम्स द फर्स्ट स्टेट तो टू प्रोवाइड डिजिटली साइंड लैंड रिकॉर्ड रिसीट्स विच आर ऑल्सो नोन एज द सेवन ओके ट बाय ट्वेल्व रिसीट्स इनको बोलते हैं एंड महाराष्ट्र हैज हैजिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटली साइंड लैंड रिकॉर्ड रिसीट्स ओके वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ओके अब आगे की न्यूज मूव करते हैं और जो मैं छोड़ रहा हूं आप बिल्कुल आराम से उसको छोड़ सकते कि जो मैं छोड़ रहा हूं उसको आप छोड़ दीजिए वो न्यूज आइटम छोड़ दीजिए ओके

रिसीव किया गया वो आई एन एस जेटी में किया गया एट वीरम इन नॉर्थ गोवा वीरम एक जगह uh, है नॉर्थ गोवा में बट याद रखिएगा इज द फर्स्ट फर्स्ट इंडियन इंडियन वेसल वेसल हैज बिकेम जो है फॉर एन ऑल वुमेन क्रू टू सक्सेसफुली सरकम द दर्ड आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कहां कहां इसका हॉल्ट था चार पांच जगह थी जहां पर इसका हॉल्ट हुआ था बहुत फेमस आइलैंड बहुत फेमस लोकेशन इनके नाम जरूर बताएगा तो प्लीज डू टेल मी दैट देन स्टरलाइट कॉपर प्लांट बहुत ज्यादा न्यूज में था यह वेदांता

ट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम अगेन आगे के न्यूज में मूव कर देखो कितने अच्छे से अपना रिविजन हो रहा है सारी न्यूज आइटम फिर से रिवाइज करिए बार बार सुन लीजिए नेशनल न्यूज एक तरह से रिवाइज हो जाएगी ओके देन वेटर जर्नलिस्ट एंड एडिटर ऑफ राइजिंग काश्मीर शुजात बुखारी वार्ट डेट तो जम्मू एंड कश्मीर आपको केस बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा ये न्यूज में आया शुजात बुखारी का राइजिंग कश्मीर की एडिटर थे उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी वॉज वेटर जर्नलिस्ट एंड एर ऑफ राइजिंग काश्मीर तो इनका न्यूज पेपर जरूर यादेगा राइजिंग काश्मीर शुजात बुखारी ओके अब हम जून में आ गए अपन ओके

टफ प्लास्टिक फ्री वो कौन सी है वो सिटी है मुंबई तो दिस अनदर फैक्ट विच इज इंपोर्टेंट फॉर बहुत एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेंटर ने बीच में यह डिसाइड किया था कि यूजीसी को रिप्लेस करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रिप्लेस करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा तो इंपॉर्टेंट न्यूज बीच में अगली न्यूज में मूव करते हैं दिस इज रिगार्डिंग द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2017 तो so, ये बिल था नया आया लोकसभा ने जिसको पास किया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लेते हैं अब देखो क्या है कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था वो बेसिकली टू एक्ट था दिस एक्ट एन एक्ट ऑफ टू थाउजेंड प्रोहिबिट्स विच डिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन टिल द कम्प्लीट द एलिमेंट्री एजुकेशन ओके टिल द कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज क्लास एट जब तक क्लास एथ क्रॉस नहीं कर जाते तब तक उनको डिटेंशन या उनको बाहर नहीं किया जा सकता नाउ द न्यू बिल इज देयर जो कि ये डिटेंशन को मेक श्योर sure करेगा कि एग्जामिनेशन के बाद अगर वो फेल होते हैं तो उनको दोबारा मौका दिया जाता है दोबारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा अगर उसके बाद री एग्जामिनेशन में भी वो फेल होते हैं देन द स्टेट गवर्नमेंट में डिसाइड टू अलाउ स्कूल टू डिटेन द चिल्ड्रेन उसके बाद वो अलाउ कर सकते हैं दिस वॉज द सेकेंड अमेंडमेंट बेसिकली उसके बाद लोकसभा ने पास किया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स बिल फ्यूजिव इकोनॉमिक अफेंडर्स बिल यानी कि अपराधी भगौड़ा आर्थिक अपराधी भगौड़ा बिल ये पास किया गया था एंड इसमें जो फ्यूजिव कौन होता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर कौन होता है जो कि आपके कंट्री में किसी कोई उसने फाइनेंशियल मिसहैप किया हो उसके बाद वो उस कंट्री को छोड़ के भाग जाए और ही डज नॉट रिटर्न टू दैट कंट्री टू फेस प्रोसिक्यूशन अगर वो ऐसा काम करता है कि कोई ऐसे किस तरह के फाइनेंशियल उसने ट्रेवल किया आपकी कंट्री में फिर वो कंट्री छोड़ के भाग गया एंड

आइटम की तरफ मूव करते हैं नाउ केरला में बहुत ज्यादा बारिश हुई बहुत ज्यादा बाढ़ आई उसके एक रीजन ये भी था कि उसमें जो डैम्स थे इडुक्की डैम और ये सारे डैम्स बहुत सारा इनमें पानी खोल दिया गया था एंड uh, एक तो नेचुरल रीजन भी था कि बारिश भी ज्यादा हुई थी दूसरा जो रीजन था वो डैम्स ओपनिंग का रीजन था ओके okay, डैम्स ओपनिंग में मजबूरी थी उस समय तो ये रीजन भी याद रखेगा इडुक्की मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट जो थे बहुत ज्यादा फेस किया उन्होंने एंड केरला में बहुत सारे ये टॉरेंशियल रेन्स हुई जिनके कारण फ्लैश फ्लैश फ्लड्स आ गए बहुत जल्दी बहुत कम टाइम पीरियड में आ गए ओके देन सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में जो आरम

Then, अगला है सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्ड द यूज ऑफ नोटा दैट इज वन ऑफ दसभासभा के पोल्स के लिए यूज ऑफ नोट नोटा का जो है okay, तो यह याद रखेंगे फर्स्ट एवर बायोजेट फ्यूल पावर्ड फ्लाइट जो हुई थी वो ऑपरेशनल हुई थी देहरादून से डेली रूट में तो so, नेशन की पहली एवर बायोजेट फ्यूल पावर्ड फ्लाइट थी बायोजेट फ्यूल पावर्ड्लाइट फ्लाइट फ्रॉम देह, देहरादून टू डेली ये रूट में थी याद रखिएगा ये ये नेशन की पहली बायोजेट फ्यूल पावर्ड फ्लाइट थी देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक्स इन न्यू दिल्ली इनको लॉन्च किया गया पोस्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स आईपीपीबी लॉन्च किया गया देन होमोसेक्सुअलिटी द सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनालाइज द होमोसेक्सुअलिटी बहुत बड़ा डिसीजन था सेक्शन थ्री सेवेंटी जो है उसको uh, बोला गया कि ये ये, ये, ये इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा इट वॉज इनरेनल इनडिफेंसिबल एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी दिस इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड इन दैट जजमेंट एंड उसने होमोसेक्सुअलिटी सेक्शन थ्री सेवेंटी सेवन को डीक्रिमिनलाइज कर दिया देन इंडिया एंड यूएस ने टू प्लस टू मिनिस्टीरियल डायलॉग लिए टू प्लस टू मिनिस्टीरियर डायलॉग डिफेंस पैक्ट के रूप में डिफेंस मिनिस्टर्स भी उसमें इंक्लूडेड थे तो याद रखेगा प्लस टू डिफेंस डायलॉग हुआ मिनिस्ट्रियर डायलॉग हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखना जरूरी है नाउ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री हैज इन न्यू इट तो इंडिया में पहली बार सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री लॉन्च की गई इसके बारे में भी अब मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा क्या है सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री इट विल इंक्लूड ऑफेंडर्स हु आर कन्विक्टेड अंडर द चार्जेस ऑफ रेप गैंग रेप पॉक्सको या टीजिंग जो चाइल्ड से रिलेटेड है या गैंग रेप रेप या टीजिंग से रिलेटेड है उन सारे ऑफेंडर्स के नाम इसमें डाले जाएंगे इंडिया हैज है नाइन्थ बता रहा हूं इंडिया इज द नाइन्थ नेशन टू हैव सच अ डेटाबेस एंड ओनली द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज कैन एक्सेस दिस डेटा एंड द एंट्रीज विल हैव फोटोग्राफ्स फिंगरप्रिंट डिटेल्स एंड अदर तो ये सारी चीज इस पर रहेंगी इस पॉजिटरी uh, 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 में और ये इंडिया इज द नाइन्थ कंट्री टू हैव सच अ डेटाबेस सेक्स ऑफेंडर्स डेटाबेस ओके न 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार उसके बाद उन्होंने आधार की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया फिर बोला कि इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ओपनिंग द बैंक अकाउंट्स देन दे आल्सो रूल्ड आउट डिक्लेरिंग आधार टू लिंक विद सिम कार्ड एंड ऑल इन सबक अनकॉन्स्टिट्यूशन बताया फिर उन्होंने यह भी बोला था कि प्राइवेट एंटिटीज जो डेटा यूज करती है वही होना चाहिए बट अभी फिर से रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से अलाउ किया गया देन एडल्ट्री विच इज सेक्शन फोर ऑफ आई सी एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम दिस इज वॉट सुप्रीम कोर्ट सेड

ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रंजन गोगोई याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है देन अक्टूबर फिफ्थ इंडियन रशिया ने साइन की फोर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइव एस फोर हंड्रेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ओके तो एस फोर हंड्रेड ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए इंडिया और रशिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो इसमें नाम जो इंपॉर्टेंट है वो है एस फोर हंड्रेड ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ये इंडिया और रशिया के बीच का पैक्ट है ओके फिर साइक्लोन तितली की हमने बात की साइक्लोन तितली किस तरह से आंध्र प्रदेश उड़ीसा इन सब एरियाज में आया थान फिर इसके बाद बाद में हमने बाद में एक और आएगा गज ओके okay, तो गज साइक्लोन भी आएगा जो कि तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है वो क्रिएट करेगा देन उत्तर प्रदेश ने कैबिनेट प्रपोजल टू रीनेम इलाहाबाद एस प्रयागराज इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया देन दिवाली के समय ग्रीन क्रैकर्स का नाम दोबारा आ गया था ग्रीन क्रैकर्स का नाम आया था कि आ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल 2 घंटे आप फोड़ सकते हैं पटाखे एंड ग्रीन क्रैकर्स वर मैंडेटरी फॉर दिल्ली ग्रीन क्रैकर्स ऐसे हैं जो कि पॉल्यूशन uh, कम करेंगे एमिशन कम करेंगे देन एक और इंपॉर्टेंट है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर तो इट वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ जेसीबी सी प्राइज फॉर लिटरेचर इंडिया में सेटअप हुआ है ये जेसीबी सी प्राइज फॉर लिटरेचर नाम याद रखेगा इसका नाम है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर ये किसको दिया गया ये दिया गया बेनियामिन uh, को बेनियामिन बिन अवॉर्डेड दिस हिज अ मलयालम ऑथर बेनियामिन एंड इनको मिला है फॉर जैसमिन डेज ओके द नेम ऑफ द नॉवेल इज ऑफ हिज नॉवेल इज जैसमिन डेज और बेनयामिन को जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर मिला ये पहला टाइम था 2018 में जब ये अवार्ड दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है देन एसआर स्टील जो है उसको वो चला गया आरसेलर मित्तल के पास दैट इज अनदर न्यूज देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड 182 मीटर टॉल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्मॉल आइलैंड में साधु बेट नाम के आइलैंड में इसको ओपन किया गया साधु बेट नाम का स्मॉल आइलैंड था जहां पर इसको बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड इट वॉज ओवरलुकिंग नर्मदा रिवर हंड्रेड एंड एटी मीटर टॉल स्टैच्यू है ओके okay? तो ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है देन एनजीटी स्टेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रीनो प्रोजेक्ट अब एनजीटी ने स्टे लगा दिया इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रीनो प्रोजेक्ट पे, तो न्यूट्रीनो प्रोजेक्ट इंडिया का कहां बन रहा है ये थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में बन रहा है थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु वहां पर यह एनजीटी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा था ये न्यूट्रीनो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट रहा था जिसको एजीटीट ने स्टे लगा दिया तो दिस वॉज अदर न्यूज विस वॉज इम्पोर्टेंट ये भी नहीं थी अगली न्यूज में आते हैं सो so, फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया था ये भी आपको पता है फैजाबाद का नाम चेंज करके अयोध्या किया गया देन सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे द रूलिंग टू अलाउ वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप इंटर सबरी टेम्पल पी आई एल किए गए रिवर्स कर दो स्टे लगा दो बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता देन सेंटर हैड रिजेक्टेड द कर्नाटका सजेशन टू ग्रांट माइनॉरिटी रिलीजन स्टेटस टू लिंगायत अब कर्नाटका ने क्या बोला भैया की लिंगायत को माइनॉरिटी रिलीजन स्टेटस प्रोवाइड कर दो लिंगायतिज्म जो है वो बेसिकली उसको हिंदू

स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश याद रखेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है श्री हरिकोटा प्रदेश में है। जी सेट ट्वेंटी नाइन विच इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओके कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए ही है हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए साइक्लोन गज ने बहुत ज्यादा हैवॉक मचाया कहां पे तमिलनाडु में याद रखेगा जॉन एलन एन छाउ फिर छाए रहे अमेरिका के मिशनरी थे विल्ड बाय द देंटिनलीस ट्राइबल्स एलिजली किल्ड बाय द देंटीनलीस ट्राइब्स पीपल एंड अंडमान की ट्राइब्स इसके अलावा जो ट्राइब्स हैं बता देता हूं ओंजेज जरावाज शॉम्पेंस सेंटिनलीज अंडमानीज निकोबारीज याद रखेगा सारे ओंजेज जरावा सेंटीनलीज शॉम्पेंस ये सारे ओके दीज आर द अदर ट्राइब्स Then, अगली न्यूज़ में आ जाते हैं एन चंद्रबाबू नायडू भूधार ओके जैसे आधार होता है ना उसे भूधार भू का मतलब होता है जमीन तो भूधार इज द इलेवन डिजिट यूनिक कोड एम्ड एट इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड पार्सल्स तो लैंड का जो नंबर है उसको भूधार कहा जाएगा अब ये अमरावती है चंद्रबाबू नायडू है तो आंध्र प्रदेश है ओके ये भी याद रखेगा सो दैट इज थिंग लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम यूक्रेनियन फिल्म डॉन हैज बीन अवॉर्डेड कि सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का तो हर बार होता है 49th था इस बार एंड ये इसमें जो अवार्ड मिलता है इंपॉर्टेंट है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो किसको मिला है यूक्रेनियन फिल्म डॉन को दिया गया यूक्रेनियन फिल्म डॉन को देन हाइसिस लॉन्च किया इसरो ने पी एस सी फोर्टी थ्री के अंदर हाइसिस या हाइपर स्पेक्ट इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च की एंड uh, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड फोटोग्राफ्स और इन सब लेने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करने के लिए ये ये इसको लॉन्च किया गया है देन डिस्प्यूट मैंने कई बार बताया फिर बता देता हूं इज अ डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका स्टेट ओके okay? तो याद रखेगा देन हमारे ओपी रावत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऑफिस छोड़ा और उनके जगह नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए सुनील अरोरा ओके okay? तो ये थोड़ा राइम बन गई अपनी सुनील अरोरा दिस वॉज कंप्लीटली अनल देन ट्रेन 18 की बात करते हैं ट्रेन 18 विल बी द इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन मैंने कई बार बताया इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा ई ट्रैक्शन का या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का प्रिंसिपल है और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट की जाएगी उसके बाद मोटर्स जो है रहेंगे हर व्हील्स में और बोगीज में लगे रहेंगे जो कि रोटेट करेंगे उसको मूव करने में मदद करेंगे इंजनलेस ट्रेन रहेगी बेसिकली ई ट्रैक्शन का प्रिंसिपल इसमें अप्लाई किया जाएगा वन से ज्यादा की स्पीड में मूव करेगी टेस्ट के टाइम पे वन की स्पीड तक भी मूव की है तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैंने आपको बता दी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम जी सेट इलेवन एक अदर कम्युनिकेशन सेटेलाइट है जिसके

कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम चीफ एडवाइजर। नए चीफ उर्जित पटेल कर गए दो हजार अठारह में ही उनकी जगह हमारे नए आए शक्तिकांता दास तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है शक्तिकांता दास उनको लाया गया देन इन द फर्स्ट ऑफ इंडिया ऑल ऑफ केरला फाइव हंड्रेड कैप्टिव एलिफेंट गॉट यूनिक डीएनए बेस्ड जेनेटिक आइडेंटिटीज तो अगर कोई आपसे पूछे की कि कि किस स्टेट में रिसेंटली uh, एलिफेंट्स को यूनिक डीएनए बेस्ड जेनेटिक आईडीज दी गई हैं तो केरला में दी गई हैं 519 कैप्टिव एलिफेंट्स गॉट यूनिक डीएनए बेस्ड जेनेटिक आईडीज इन केरला वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है फिर जी सेट सेवन ए लॉन्च किया गया जो कि एक uh, uh, आई ए एफ या इंडियन एयरफोर्स की नीड्स को पूरा करेगा आई की नीड्स को पूरा करेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है एंड इट तो वॉज ऑल्सो तो लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोट आंध्र प्रदेश उसके पहले एक न्यूज छूट रही है दिसंबर नाइनटीन में वो है लोकसभा ने पास किया बिल जो कि बैन करेगा कमर्शियल सरोगेसी को कमर्शियल सरोगेसी वॉज बैंड और केवल और केवल अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी को अलाउ किया गया था इसके अंदर अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी मतलब कोई बिना फायदे का बिना किसी कमर्शियल मोटिव के आपका कोई क्लोज वन ही आपके लिए सरोगेट का काम कर सकता है बिल विच वॉस पास देन थ्री बैंक मर्जर हुआ हमारी कंट्री में दिसंबर में बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक और विजिया बैंक थ्री बैंक मर्जर इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा फर्स्ट टाइम थ्री बैंक मर्जर हुआ था यह

2021 में ही उसको कंप्लीट करने की बात चल रही है मैंड प्रोजेक्ट रहेगा गगनयान प्रोजेक्ट ओके फिर यहां पे एक फोटोग्राफ में हमारे प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं बोगी बिल ब्रिज ब्रह्मपुत्र रिवर पे जो बनाया गया था डिब्रुगढ़ आसाम में उसको इनाग्रेट किया बोगी बिल ब्रिज याद रखेगा और सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज रोड रेलवे ब्रिज है याद रखेगा दिस इज द थिंग सो दीज वर द नेशनल न्यूज आइटम्स आई होप बहुत सारी न्यूज आइटम्स आपको पता बदल इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने एक बार ये देख लिया है तो अब द हिंदू डायरी ऑफ इवेंट से आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई भी नेशनल न्यूज कुछ भी इंपॉर्टेंट छोड़ा नहीं है मैंने इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही न्यूज आइटम आपको अपनी तरफ से भी भीड ही किया है मैंने सो लेट्स वेट जब जस्ट वेट फॉर माई सेकंड वीडियो जो कि इंटरनेशनल न्यूज पे रहेगा ओके okay, तो यह नेशनल न्यूज आपकी कंप्लीट की जाती है दो का एक छोटा मोटा रिवीजन तो हो ही गया एक तरीके से दैट इज इट थैंक यू आई होप यू लाइक वीडियो थैंक यू डे